गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दिया है। बहुत ही जल्दी 5000 पहुंचने वाले हैं, तो बहुत टाइम के बाद आज हम लोग जा रहे हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज के अपडेट देखने के लिए। बहुत ही मस्त बन चुका है और इस बार मैं नीचे जाके वीडियो लेने वाला हूँ, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज और फुट ओवर ब्रिज के बहुत ही नज़दीक। मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूं जो मैंने बहुत ही अच्छे रिसर्च करके निकाली है, तो ये वीडियो पहले के सारे वीडियो से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इसमें हम नीचे तक जाएंगे और नज़दीक से देखेंगे पेडेस्ट्रियन ब्रिज कैसा बना है, इसका शेप कैसा है और कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ हुई है। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो सबसे पहली और सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये ब्रिज का स्ट्रक्चर। इसके डिज़ाइन काइट के डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, जिसको बोलते हैं ट्यूब्युलर स्टील सुपर स्ट्रक्चर। ये कंस्ट्रक्शन का ये जो शेप बनाया है वो कंपनी का नाम है STUP स्टप कंसल्टेंट मुंबई, जो एक बोल सकते कंपटीशन हुआ था इसमें यह डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ है। और ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए इसको P&R ग्रुप जो कि बहुत ही बड़े कॉन्ट्रैक्टर है उनके हाथ में दिया गया है। इसका जो कंप्लीशन पीरियड है वो था 18 मंथ्स का, जो कि ये ऑलरेडी हो चुका है। इसको स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट मार्च 2018 को, ऑलमोस्ट लोग दोस्तों 2 साल होने वाले हैं, लेकिन जो लॉकडाउन था उसकी वजह से इसमें 5 से 6 महीने तक काम रुक गया था, इसीलिए ये काम थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन प्रोबेबली जिस हिसाब से अभी काम लग रहा है बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले जो हम इसके इन्फॉर्मेशन दूसरे वीडियोज़ में देख चुके हैं वो ये इन्फॉर्मेशन है कि इसका बजट है 74 crore का, आजू बाजू का बजट रहेगा, अप्रोक्स बजट है ये। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो वो है 300 मीटर लॉन्ग और इसकी विड्थ की बात की जाए तो वो है 10-14 meters विड्थ है इसकी। अब हम इसके अंदर जाएंगे, नीचे तक देखेंगे इसका क्या क्या काम हुआ है। दोस्तों मुझे इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट शेप भी आप देख सकते हो, काम भी बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो चलो आगे चलते हैं वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए इसी बात पर और वीडियो को एन्जॉय कीजिए। Thank you.
दोस्तों आप देख सकते हो खूबसूरत नज़ारा रिवर फ्रंट अहमदाबाद का। आपको थोड़ा थोड़ा पानी में कचरा दिख रहा होगा, लेकिन यही है हमारा अहमदाबाद। लकीली हम आज संडे को आए हैं और यहाँ पे काम बंद है, इसीलिए हम नीचे आ पाए हैं। बाकी यहाँ पे आना एक्चुअली अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैवी मशीन से काम हो रहा होता है। आप देख सकते हो खूबसूरत शेप ये पूरे ब्रिज का, ये पूरा मतलब ऑलमोस्ट डिज़ाइन रेडी हो चुके है इसकी, और मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो आधे से ज़्यादा ब्रिज बन चुका है। बीच में थोड़ा सा अभी काम बाकी है, क्योंकि ये पूरा ब्रिज स्ट्रेट अवे नहीं बना है, थोड़ा बीच में काम बाकी है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट अभी भी ये ब्रिज 6 महीने तक नहीं बनेगा, तो मैं रेगुलरली आपको 2 या 3 महीने के अंदर अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको सही लगता है ये तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद में लास्ट में मैं कुछ नाइट्स शॉट्स लिए, मैंने सीन्स लिए, आप देखना और बताना कैसे लगे। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही थोड़े बहुत शॉट्स हर वीडियो में आपके लिए ले पाऊँ।